गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. ट्रेट है ना, इंट्रोडक्शन कर दिए थे इसका. आगे हम लोग देख लेंगे आज, ये सब तो पढ़ा चुके थे. अच्छा, पीछे क्लास से कोई डाउट भी है? नो मैम. क्या कोई डाउट है? इसका किन चीजों से रिलेशन है? मार्केट में प्रेजेंट कस्टमर से. पहला तो कस्टमर क्या डिमांड करते हैं? जब बोलते हैं कोई प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में, तो उसका क्या डिमांड चल रहा है, उसकी क्या मांग चल रही है, किस पे डिपेंड करेगा? कस्टमर पे. तो कस्टमर क्या डिमांड करता है, उस अकॉर्डिंगली फिर होलसेलर जो है काम करेगा आगे. तो मार्केट में जो भी डिमांड है और उसका जो सप्लाई होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है सप्लाई उस तरह से क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि होलसेलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक मेंबर है. ठीक है, तो जैसा डिमांड यहाँ रहेगा वो उस हिसाब से सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लाकर. इसलिए बोल रहा है कि वो प्राइस को स्टेबलाइज करता है, डिमांड को जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिमांड है उसको फुलफिल करते हुए. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है और प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा होगा. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की स्कार्सिटी हो जाएगी मार्केट में. जब जितने भी कस्टमर हैं सब उस प्रोडक्ट को डिमांड करने लगेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा मार्केट में, जितना प्रोडक्ट है सब तो बिक जाएगा, यानी कि स्कार्सिटी क्रिएट हो गया, यानी कि शॉर्टेज क्रिएट हो गया मार्केट में. तो जब शॉर्टेज क्रिएट होता है तो क्या होता है, जो ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा प्रोडक्ट, प्राइस बढ़ेगा, है ना. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होलसेलर की हेल्प से इस चीज को मिनिमाइज किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि वो जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होता है वो वैसे वैसे लॉट्स को निकालते हैं और रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं, और उसी तरीके से कस्टमर तक पहुंचता है. अगर इनका एब्सेंस होगा तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मार्केट में पहुंचने में गुड्स बहुत टाइम लगेगा. उतने देर में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, स्टेबलाइज करता है. कोई डाउट यहाँ तक? लो प्राइसेस क्या बोल रहा है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज पॉसिबल. होलसेलर के हेल्प से क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है थोड़ा निश्चिंत होता है. क्या, किस चीज से निश्चिंत होता है, कि वो प्रोडक्ट बना रहा है ना. प्रोडक्ट बनाने का स्पेस का जो प्रॉब्लम है, जो हम पिछले क्लास में बताए थे, जब हम बताए थे कि कैसे होलसेलर जो होता है मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है. एक बार में प्रोडक्ट बनाता तो है मैन्युफैक्चरर, लेकिन उसको स्टोर करने का क्या है, झंझट है थोड़ा. वो भी गोडाउन मेंटेन तो करेगा लेकिन कुछ लिमिट तक ही ना, अनलिमिटेड गोडाउन तो उसके पास भी नहीं है. तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बनाते जाता है वो पास ऑन करते जाता है आगे होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को. तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर का कुछ प्रोडक्ट जो है स्टोर किसके पास है, होलसेलर के पास है ना. ठीक है, अब होलसेलर का कुछ प्रोडक्ट किसके पास स्टोर है, रिटेलर्स के पास स्टोर है. तो वहां पे यही बोलना चाह रहा है कि होलसेलर के हेल्प से क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है. क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास जब तक सामान निकलेगा नहीं वो आगे प्रोडक्शन नहीं करेगा. जब सामान बिकेगा नहीं तो वो प्रोड्यूस क्यों करेगा, सिंपल सी बात है. और प्रोड्यूस करके क्या होगा, पैसा ही बर्बाद होगा. तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक जाता है प्रोडक्ट, तो क्या होता है, उसका लॉट निकलता है. जब निकलता है तो फर्दर प्रोडक्शन होता है, जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा है, स्कार्सिटी नहीं क्रिएट होगा फ्यूचर में. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो. तुम लोग समझते तो हो गई, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से भी पढ़े ही हो. तुम लोग पढ़े हो स्टार्टिंग से, रिटेलर थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा क्या होता है. जो मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, जिनका डायरेक्ट लिंक कस्टमर से होता है, कितना भी शॉपकीपर है, मार्केट में जाते हो ना, खाते हो, पीते हो, स्टेशनरी आइटम्स लेते हो, क्लोथिंग लेते हो, तो जितना भी मार्केट में प्रेजेंट बिजनेसमैन है सारे रिटेलर्स हैं. सब या तो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं या तो मीडियम स्केल पे काम कर रहे हैं. रेयर केस होता है कि लार्ज स्केल पे काम करते हैं, लार्ज स्केल भी है लेकिन हम अपने इंडिया में ज्यादातर स्मॉल और मीडियम लेवल का देखते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि रिटेलर भी जो होता है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मेंबर है, जो मार्केट एरिया में प्रेजेंट है कस्टमर्स के बीच में. ठीक है, कस्टमर इनसे डायरेक्ट जाकर के प्रोडक्ट खरीदते हैं. यहाँ तक क्लियर है? अब ये तो हो गया ऑफलाइन बता रहे हैं, लेकिन नया कॉन्सेप्ट भी तुम लोग पढ़े ही हो ऑनलाइन, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस पढ़े होंगे लोग ऑनलाइन. मींस कि एज अ कस्टमर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग जब करते हो, ऑनलाइन परचेजिंग जब करते हो, तो आप रिटेलर से ही करते हो. तो ऑनलाइन मीडियम हो गया. और एक और सबसे नीचे वाला पॉइंट एक होगा, वेंडिंग मशीन. ठीक है, हम इंडिया में तो नहीं देखे हैं अब, लेकिन मोस्ट ऑफ द तुम लोग मूवीज वगैरह में देखते हो या सीरीज वगैरह में देखते हो, फॉरेन कंट्री में क्या होता है, सिक्का डालते हैं, मशीन टाइप का रहता है, सिक्का डालते हैं उससे कोक निकलता है या कुछ खाने का आइटम निकलता है ना, वो वेंडिंग मशीन होता है. ठीक है, इंडिया में अभी तक हम नहीं देखे हैं, तुम लोग देखे हो क्या?
सम बहुत ज्यादा स्टेट फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. नहीं, रिटेलर्स का क्या फीचर है? सबसे पहले तो लिंक बिटवीन होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर है ना, डिस्ट्रीब्यूशनल का एक मेंबर है तो लिंक तो क्रिएट कर ही रहा है ना, मैन्युफैक्चरर से भी लिंक क्रिएट कर रहा है कस्टमर तक, होलसेलर का भी लिंक क्रिएट कर रहा है कस्टमर तक, मतलब एक बीच का आदमी है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंडर में है तो लिंक तो क्रिएट कर ही रहा है. जैसे होलसेलर लिंक क्रिएट कर रहा था, किसमें लिंक क्रिएट कर रहा था? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में. तो रिटेलर किसमें क्रिएट कर रहा है? मैन्युफैक्चरर से कस्टमर में, होलसेलर से कस्टमर में. सिंपल. चलो, सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर, तो क्लियर है तुम लोग को. रिटेलर्स वैसे लोग होते हैं जो मार्केट एरिया में प्रेजेंट है, तो इनका डायरेक्टली कस्टमर से डीलिंग होता है, पर्सनल टच रहता है कस्टमर से. क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है दो पॉइंट में? उसके बाद क्या है? डील्स विद द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. रिटेलर्स जनरली वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं. जैसे हम पढ़ाते हैं होलसेलर जो होता है वो जनरली एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, स्मॉल और मीडियम पे काम कर. लार्ज में अगर काम कर रहा है उसका इन्वेस्टमेंट उतना ह्यूज है या वो इंटरेस्टेड है, इतना इन्वेस्टमेंट लगाने का केपेबल है, तब डिफरेंट वैरायटी में डील करेगा. लेकिन जनरली एक ही वैरायटी में डील करता है. बट रिटेलर्स के पास ऑप्शन है क्योंकि उनके पास वेरियस कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको कस्टमर का नीड को पूरा करना है, तो वो लॉट्स में सामान रखता है लेकिन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को रखता है. जब आप जनरल स्टोर जाते हो तो तुमको वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता होगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता होगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ मिलता होगा. हाँ, एक चीज़ भी होता है, जैसे अगर आप क्लोथिंग जा रहे हो तो सिर्फ क्लोथिंग का स्टोर जाते हो तो वो भी है. आगे हम तुमको पढ़ाएंगे जब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स पढ़ाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटेलर शॉप में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बाइज एंड सेल्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स. ठीक है, ये लोग का क्या खासियत है कि ये छोटे छोटे क्वांटिटी में गुड्स को सेल करते हैं, क्योंकि कस्टमर एक या दो यूनिट खरीदेगा. तुम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, चॉकलेट ही खरीदने जा रहे हो, कितना खरीदोगे? दो तीन खरीदोगे, है ना? अब ये मत बोलना कि मैम बर्थडे में हम लोग 100-100 चॉकलेट खरीदते थे. भी खरीदने जाओगे तो एक खरीदोगे, दो खरीदोगे. ठीक है, तो जनरली स्मॉल क्वांटिटी में ही डील करता है, एक कस्टमर एक या दो यूनिट खरीदता है. कोई ओकेजन रहेगा तो कुछ थोड़ा ज्यादा यूनिट खरीदेगा, लेकिन फिर भी होलसेलर के कंपैरिजन में तो वैसी है. चलो, जनरली लोकेटेड इन रेसिडेंशियल एरिया. रेसिडेंशियल एरिया कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे कस्टमर्स रहते हैं, है ना? वो कहाँ रहते हैं कस्टमर्स? मार्केट एरिया में रहते हैं, है ना? वहीं पे घर है. कंकड़बाग में तुम लोग का घर होगा, हनुमान नगर में घर होगा, और भी जगह घर होगा, और वहाँ पे तुम लोग देखते हो कि रिटेलर्स है. तो रिटेलर्स कहाँ है? रेसिडेंशियल एरिया में प्रेजेंट है. ठीक है, कस्टमर के आस पास. मेंटेन्स द पर्सनल रिलेशन विद कस्टमर. हमको नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत है क्या? मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेंड. ठीक है, जब तुम लोग डायरेक्टली रिटेलर से डील कर रहे हो तो रिटेलर को पता चल रहा है कि कस्टमर का क्या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या उनका व्यू है. जैसे कोई सामान खरीद रहे हो, तुमको कुछ प्रॉब्लम आया तो तुमको पसंद नहीं आया, तुम्हारे कन्वीनियंट के हिसाब का नहीं है, तो तुम जाकर रिटेलर को बोलोगे कि भैया इसको एक्सचेंज कर दीजिए, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. या फिर रिटेलर को फील हो जाएगा कि हम ये जो सामान मंगवाए ये बिक ही नहीं रहा है, लोग पसंद ही नहीं कर रहे, तो पता चल जाएगा ना. रिटेलर्स को पता चल जाता है कि जो मार्केट में प्रेजेंट कस्टमर हैं उनको क्या चाहिए, उनकी नीड क्या है, उनको क्या पसंद आ रहा है. तो ये चीज़ वो क्या कर सकते हैं? कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेकर के होलसेलर, और होलसेलर से मैन्युफैक्चरर को. मतलब कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है पीछे, बैकवर्ड हो रहा है ना. तो जब बैक होगा तो मैन्युफैक्चरर को पता चल जाएगा फाइनली कि हमको क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं लोग. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे? कस्टमर. क्लियर है? ऑल्सो एक्सटेंड क्रेडिट टू कस्टमर. तुम लोग जाते हो सामान वगैरह खरीदते होगे, कभी कभी उधार पे भी खरीद लेते हो कि भैया हम दे देंगे आपको. राशन वाशन का सामान मम्मी लेके आती है तो बोलती है अच्छा भैया पैक करके भिजवा दीजिए, हम कुछ दिन में पैसा भिजवा देते हैं. तो कस्टमर को रिटेलर्स क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, ये फीचर है कस्टमर का, सॉरी रिटेलर्स का. चलो आगे देखें. बियर्स द रिस्क सच एज चेंजेस इन डिमांड एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, थेफ्ट, फायर, डाउटफुल, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. अच्छा, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब कौन बताएगा? बैड मतलब क्या होता है? खराब होता है, तो उसे तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि अब वो डूब गया, वो वापस नहीं आएगा, है ना? ऐसा कर्जा जो तुम लोग का डूब चुका है वो वापस नहीं आएगा. डाउटफुल मतलब कि अभी भी डाउट है, आ सकता है, आने का संभावना है, प्रेडिक्टिविटी है कि हाँ आ सकता है फ्यूचर में, तो वो डाउटफुल हुआ. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिटेल थे उनके पास भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट है और ये इनके पोजेशन में. अब इनके पास जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर नहीं बियर करेगा, ना ही मैन्युफैक्चरर बियर करेगा, ये तो क्लियर है. इनके पास जो भी स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट है
अगर इस प्रोडक्ट के साथ कुछ भी हो जाता है, इनके शॉप में आग लग गया, चोरी हो गया, बैड एंड डाउटफुल कुछ भी हो गया, तो हर्जाना कौन भरेगा? रिटेलर भरेगा। जब कस्टमर सामान इससे खरीदेगा तब ना कस्टमर के अंडर आया। जैसे मान लो एक सामान है, ये हम खरीद लिए रिटेलर से, अब ये मेरे पोजेशन में, तो अभी सामान के साथ जो होगा ये मेरा नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब तक हम खरीदे नहीं है तब तक किसके हाथ में है? रिटेलर के हाथ में है। तो अगर रिटेलर के थ्रू कुछ नुकसान हो रहा है तो किसका नुकसान होगा? रिटेलर का होगा। इसके लिए ना ही मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होगा, ना ही होलसेलर, और सिमिलरली ना ही कस्टमर। चलो, प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू शोरूम्स एंड डिस्प्लेज। तुम लोग रिटेल शॉप वगैरह जाते होगे कभी कभी, तो तुम लोग देखते हो कि पैम्पलेट्स वगैरह टंगा रहता है, या एडवर्टाइजमेंट किया हुआ रहता है, डिस्प्ले किया हुआ रहता है, प्रोडक्ट सजाया हुआ रहता है। उससे क्या होता है, एक तरह से तुम लोग कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट। रिटेलर्स जो है एडवर्टाइजमेंट का काम भी करता है, ठीक है? कोई प्रोडक्ट अगर खरीदते हो तो बोलेगा कि भाई आप ये वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप ये एक बार ये यूज करके देखो ना, नया आया है मार्केट में। ऐसा कभी कभी तुम लोग सुनते होगे, बोलता होगा। या बुक ही खरीदने जाओगे तो तुम बोलोगे भैया सबसे ज्यादा बिकता कौन है, आप वही दीजिए। तो वो तुमको अपने हिसाब से चुन करके देगा कि देखो हाँ ये लीजिए, भले वो बिके ना बिके तुम उस पर ट्रस्ट करके तो ले ही लोगे। तो क्या कर रहा है रिटेलर, जो है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट का काम भी करता है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, ठीक है? चलो, इसके बाद क्या है, एम एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू देयर कस्टमर। कस्टमर देखो, रिटेलर्स जो हैं, अब तुम लोग जान रहे हो कि कोई बिजनेस रहेगा वो किस पे बेस्ड है, कस्टमर पे बेस्ड है। कस्टमर किंग है मार्केट का, है ना? कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है उनका, अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपका प्रोडक्ट कोई काम का नहीं रह जाएगा। ये तो क्लियर है ना? जो रिटेलर्स होते हैं वो जनरली स्मॉल और मीडियम लेवल पे काम करते हैं, और उनका पूंजी लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है प्रोडक्ट खरीदते, है ना? तो वो क्या कोशिश करता है कि हम वैसा प्रोडक्ट ही रखें जिससे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, या वैसा प्रोडक्ट रखें जिसमें इतना यूटिलिटी हो, इतना बेनिफिशियल वैल्यू हो, या इतना यूजफुल प्रोडक्ट हो कि कस्टमर खरीदे, है ना? कोशिश करता है कि ऐसा प्रोडक्ट ही हम रखें जिससे कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। अगर हम फालतू का सामान रखेंगे तो मेरा ही इन्वेस्टमेंट डूबेगा, देखिए ये भी कारण होता है, ठीक है? और ऐसे तो कोशिश करता ही है रिटेलर्स की कस्टमर को खुश करें, क्योंकि उन्हीं उसी से उनका बिजनेस चल रहा है। अगर वो कस्टमर को खुश नहीं कर पाएगा तो फिर उनसे सामान कौन खरीदेगा, समझ रहे हो ना? चलो, यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार तुम लोग खुद से भी, क्या सर्विस है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के टूवर्ड्स, ठीक है? सबसे पहले तो रेडी मार्केट। रिटेलर जो है मार्केट क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारा प्रोडक्ट जो है मार्केट प्लेस पे लेके आ रहा है जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यस और नो? यस मैम। वही बोल कि रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट पहुंचा करके मार्केट प्लेस पे, ठीक है? लार्ज स्केल ऑपरेशन, रिटेलर्स जो है किसी भी एरिया में चले जाओ बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्प्रेड किए हुए हैं, है ना? जगह जगह पे शॉप है, यस और नो? तो लार्ज स्केल ऑपरेशन है कि नहीं? तो इससे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर को मार्केट मिल रहा है अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाने का, डिफरेंट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा पाने का, यस और नो? ये दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत? नो मैम। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि क्या मैम आवाज कट रहा है, मैम आवाज ही कट जा रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के आवाज कट रहा है मैम, है मैम आपका आवाज नहीं आता है, आवाज कट रहा है मैम। क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, क्या डिमांड चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन वो बैकवर्ड पहुंचा सकता है, क्लियर? उसके बाद हेल्प इन मैम, सुनाई देगा तो ना पढ़ेंगे, सामान खरीदते हो आवाज कट रहा है, कट रहा है मैम, कट रहा है मैम, तो वो कोशिश करेगा एडवर्टाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो इससे किसको हेल्प मिल रहा है, जिसका प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरर को हेल्प मिल रहा है उससे। रिस्क बेयर जो भी कुछ काम भी नहीं आ रहा है, मैं आगे के तरफ, तो इसका जैसे मान लो, अगर तो बता दे, जैसे मान लो 2000 यूनिट यहाँ बन रहा है, ठीक है, 2000 यूनिट यहाँ बन रहा है, वो होलसेलर को पास कर रहा है मान लो 1000 यूनिट, और फिर ये क्या कर रहा है 500 यूनिट इसको पास ऑन कर रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर का 1000 यूनिट का भार ये झेल लिया, क्लियर है ना? इससे हम समझ सकते आगे में कि होलसेलर का 500 यूनिट का भार रिटेलर झेल लिया, क्लियर? जैसे जैसे आगे गुड्स पास होते गया, तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरर को अब कितना लॉस देखना पड़ेगा,
भले वो बनाया 200 यूनिट है लेकिन उसको कितना का लॉस झेलना होगा, 1000 का। होलसेलर को इसके पास भले ही 1000 यूनिट खरीदा है लेकिन 500 तो बेच दिया ना, तो कितना का भार झेलना होगा, 500 का। इसको कितना झेल, ठीक है, सब एक दूसरे का भार झेल रहा है। चलो आगे मैम सुनिए तो, मैम बोलो कोई डाउट है लीजिए, या सेमी ऑटोमेटिक लीजिए या मैनुअल लीजिए, तुमको बताएगा वो, ठीक है, सबका फीचर बताएगा, उसके बाद बताएगा कि कैसे उसको यूज करते हैं, उसका सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, घर पहुंचा देगा, फिर तुमको यूज करना सिखा देगा, ये सब चीज रहता है, ठीक है। तो कोई भी रिटेलर जो होता है प्रोडक्ट का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तुमको बताएगा, उसको सारा डिस्क्रिप्शन जो भी हो तुमको बता देगा, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो कस्टमर को एजुकेट करने का काम कर रहा है, यस और नो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। चलो आगे, क्रेडिट परचेज फैसिलिटी। हम जैसा बताए कि रिटेलर्स जो होते हैं अपने कुछ कस्टमर्स को, खासकर कुछ लॉयल कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है, तो तुमको कोई जरूरी नहीं है कि इमीडिएट पेमेंट करना ही पड़ेगा। अभी पैसा नहीं है तो तुम हाफ पेमेंट करके या फिर विदाउट पेमेंट भी सामान खरीद सकते हो, यूज करो फिर बाद में पैसा ला कर दे दो, ठीक है। तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया। वाइडर चॉइस, रिटेलर्स के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, यस और नो, है ना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है तो तुम चूज कर सकते हो। अब जैसे क्रीम ही खरीदने जाओगे तो उसके पास डिफरेंट ब्रांड का प्रोडक्ट रहेगा, पॉन्ड्स का भी रहेगा, हिमालय का भी रहेगा, निविया का भी रहेगा, ठीक है। कोई भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाओगे क्रीम खरीदते हैं तो सिर्फ एक ही का रखता है वो, नहीं ना रखता है, दो चार वैरायटी रखता है। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास चॉइस आ गया कि तुमको कौन सा खरीदने का मन है। तो निविया खरीदने वाला भी उस शॉप पे जा सकता है, हिमालय का प्रोडक्ट खरीदने वाला भी उस शॉप पे जा सकता है, पॉन्ड्स खरीदने वाला भी जा सकता है, क्लियर। चलो, होम डिलीवरी सर्विस, होम डिलीवरी करवाए हो ना, कोई कोई स्टोर खोल लेता है रिटेल जैसा, तुम वहाँ पे ऑर्डर करोगे, या आजकल तो सारा स्टोर करने लग गया, व्हाट्सएप पे भेज दो राशन क्या क्या चाहिए, वो तुमको घर तक पहुंचा देगा, थोड़ा बहुत पैसा ले लेगा डिलीवरी करने का, और अगर तुम ऑयल कस्टमर हो तुम्हारे बगल तो नहीं भी लेता है चार्ज, क्लियर। तो होम डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है रिटेलर्स, है ना, आज के डेट में तो काफी हो गया। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल कहने का मतलब जब हम सेल कर चुके हैं, मतलब अगर हम सामान खरीद चुके हैं उसके बाद का भी सर्विस, जैसे रिपेयरिंग सर्विस, प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया तो उसको रिटर्न कर देगा, एक्सचेंज कर लेगा, तो सेल बाद भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा आपको सामान बेच दिए हैं अब आप स्ट्रेंजर है मिले, हमको एक नहीं लिए हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहोगे तो विद इन अ टाइम दिया भी कर सकते हो प्रोडक्ट को, कुछ सर्विस चाहिए वो भी प्रोवाइड करवा लेगा, मेंटेनेंस सर्विस चाहिए वो करेगा, जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दिए थे, है ना, टाइम मिसिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है तो तुम जहाँ से खरीदे हो वहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, वो अपना सर्विस वाला बंदा भेज देगा और सही करा देगा तुम्हारा। गाड़ी में भी अप्लाई होता है ये चीज, क्लियर है, बहुत हंसी आ रहा है तुम लोग को, अलग अलग बैठा दे, डायग्राम देख लो, लोगों जैसा बताए कि रिटेलर का डिटेलिंग में पढ़ना है, है ना, होलसेलर बस कॉन्सेप्ट समझना था, तो रिटेलर जब तो पढ़ना है तो तुम लोग को कि रिटेलर्स का क्या क्या टाइप होता है, इसमें दो टाइप पढ़ना है, एक रेंट्स और होता है फिक्स शॉप। इटिनरेंट्स वैसे रिटेलर्स होते हैं, वैसे होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, घूमते फिरते रहते हैं, कहीं भी तुमको मिल जाएंगे, घर पे आता है ना सब्जी लेकर के आता है, पौधा लेकर आता है, कप वगैरह लेके आता है, प्लास्टिक आइटम्स लेके आता है, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड शॉप कहने का मतलब वैसे रिटेलर्स जिनका एक लोकेलिटी, एक लोकेशन पे फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे ज्ञान गंगा है, और भी बहुत सारा है ना, मोंजिनीज है, और भी बहुत सारा खाने पीने का भी स्टोर है, हाँ हाँ कबाब है, वो सब क्या है, शॉप रिटेलर है, मतलब एक जगह स्थिर है, एक ही लोकेलिटी पे, एज अ कस्टमर तुमको उनके जाना पड़ेगा, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इटिनरेंट्स में उसका क्या होता है, उल्टा होता है, ऐसे जो पास आएंगे, में भी कुछ है ना टाइप्स है, जैसे हॉकर्स एंड पेडलर्स, चीप जैक्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है, हम पढ़ाएंगे इसको वन बाई वन। फिक्स शॉप में दो है, एक लार्ज, जैसा है कि रिटेलर्स जो होते हैं स्मॉल सेल अवेलेबल है, काम कर रहा है, मीडियम पे भी काम कर रहा है और लार्ज पे भी काम कर रहा है, अलग अलग कर दिया है, स्मॉल का अलग कर दिया। बोलो कोई डाउट है, ये मत बोलना आवाज नहीं आ रहा है मैम, आवाज जो पढ़ा रहे हैं वो देखो, ठीक है। तो ये समझ में आया, एक हो गया जिनका कोई
परमानेंट प्लेस नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटिनरेंट ट्रेडर्स, जिनका फिर डिफरेंट टाइप से बताएंगे, और फिक्स शॉप मतलब वैसे रिटेलर्स जिनका एक लोकेलिटी पे फिक्स्ड है, एक प्लेस फिक्स्ड है, क्लियर। चलो इटिनरेंट्स का जैसा कि तुम लोग का फीचर बता चुके है ना, इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, ये जगह जगह घूमते हैं है ना, जगह जगह घूम करके कस्टमर ढूंढते हैं और उनको सेल करते हैं प्रोडक्ट, क्लियर। और इनका प्रोडक्ट जो होता है वो जनरली चीप क्वालिटी का होता है, नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, ब्रांड नहीं होता है ना। जैसे मार्केट में देख या फिर जो घर पे ही आता है, क्या वो प्रोडक्ट रखता है? नहीं। जो गली गली घूम रहे हैं, गली गली घूम करके तुम लोग को सामान पहुंचा रहे हैं, बैग लेके कैरी करते हैं या फिर ठेला लेकर आता है ना, ट्रक, ट्रक तो नहीं आता होगा, चलो साइकिल्स पे शोल्डर बैग जैसा तुम लोग को लिखा, बास्केट में ले क्या, तुम लोग को पता है कि क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है बास्केट में ले क्या रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, तुम लोग देखते हो गए ठेला वगैरह पे लेके आता है प्लास्टिक आइटम्स लेके आता है ना, जिसको मम्मी लोग खरीदती है, कुछ टाइम यूज करती है, खराब हो जाता है, फेंक देते हैं, नया ले लेते हैं, तो ऐसे होते हैं हॉकर्स और पेडलर्स। पेडलर्स का क्या मतलब होता है? पैदल चलने वाला, इंग्लिश पढ़े हो ना, पेडलर का मतलब क्या होता है? पैदल का सबसे पहला तो स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूम, कस्टमर को सर्च कर रहे, कस्टमर सर्च नहीं कर रहा है, ये कस्टमर को सर्च कर रहा है, दे सेल द वैरायटी ऑफ टेबल एक्सेट्रा, छोटे हाउस होल्ड आइटम्स, छन्नी यूज करते हो ना, उसके अलावा वेजिटेबल्स, ये सब फिक्स प्राइस, इनका प्राइस भी फिक्स नहीं होता है, ये भी तुम लोग ध्यान रखना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आएगा, देखेगा कि थोड़ा अच्छा घर है, ज्यादा पैसा देगा तो उसको 5-10 रुपए बढ़ा देगा, ठीक है, तो छोटा मोटा घर है तो थोड़ा सा ही बताएगा कि कम से कम बिक जाए मेरा सामान, तो ये कस्टमर को ढूंढते हैं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग सामान जो भी रखता है, और फिर कस्टमर को समझ करके उस हिसाब से प्राइस रखते हैं, उनको कोई फाइनल प्राइस नहीं है, ठीक है। उसके बाद रैदर प्राइस डिपेंड ऑन पावर ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर, ठीक है। और उसके अलावा एक तो हो गया, आवाज इको, हाँ हाँ इको हो रहा है, और उसके बाद जब तुम बार्गेनिंग भी होता ही है ना, बार्गेनिंग कहने का मतलब क्या होता है, मम्मी लोग बार्गेन करती है, सब्जी बार्गेनिंग पता नहीं क्यों 5 रुपए के लिए बार्गेनिंग करती है, हमको नहीं समझ में आता लॉजिक, बार्गेनिंग कहने का मतलब एक प्राइस बताएगा सेलर है ना, कस्टमर उस पर एग्री नहीं करेगा, दोनों एक म्यूचुअल प्राइस डिसाइड करेंगे, उस पर सामान खरीद बेच हो जाएगा, ठीक है, करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत, हम बहुत फोर्स नहीं करते हैं, जितना हो सकता है उतना, कि हाँ भैया आप जितना कर सकते हो कर दो, नहीं करता है तो हम छोड़ देते हैं, फोर्स नहीं कर, सब कमाने के लिए बैठा है भाई। चलो द मेन एडवांटेजेस ऑफ दीस ट्रेडर्स दैट दे प्रोवाइड कन्वीनियंस टू कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट देयर स्टोर्स, घूम रहा है, घूम के कस्टमर को ढूंढ रहा है, तो कस्टमर को अपना एनर्जी टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, है ना, कस्टमर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, इनके पास आता नहीं होता है कन्वीनियंट। अब जब हम ये तुम लोग को टॉपिक पढ़ा रहे हैं इटिनरेंट्स का, तो आगे का जो भी टॉपिक बताएंगे, जैसे हॉकर और पेडलर बताए और भी 2-3 है, ठीक है, सारा का तुम लोग को ध्यान में रखना कि जो फीचर है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, एक ट्रिक बता रहे हैं तुम लोग को, है ना, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन डिफरेंस रहेगा, सिर्फ समझ लेना क्या होता है, लेकिन फीचर्स अगर तुम लोग किसी एक का भी याद कर लोगे या मिलाकर याद कर लोगे तो तुम लोग सारे में एक ही फीचर लिख सकते हो, ठीक है, हाँ कर सकते हो कहीं भी बाबू। चलो क्लियर हुआ? नहीं मैम। टॉपिक क्लियर हुआ, इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं, और जो ट्रिक हम बताए वो याद रखना, सिर्फ टेम्पररी शॉप स्ट्रक्चर, टेम्पररी शॉप मतलब क्या, टेंट लगा लेगा है ना, एक खटिया लगा लेगा कोई भी जगह पे, तो वो भी फिक्स नहीं है, वो टेंट कहीं निकाल के दूसरी जगह लगा सकता है, आज हनुमान नगर में कल चला जाएगा कंकड़बाग में, कल कहीं और चला जाएगा, जगह जगह घूमेगा, ठीक है, तो इसका भी वही चीज है, टेम्पररी शॉप है, फिक्स शॉप नहीं है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिक्स नहीं है, टेम्पररी टाइप का है, ठीक है। अब देखो इसका फीचर अगेन, शॉप और डिस्प्ले गुड्स इन द टेंट इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज, है ना, कोई भी कॉलोनी में चला जाएगा, टेंट टाइप का लगा लेगा या छोटा मोटा जगह हायर कर लेगा, वहां पे अपना सामान बेच के फिर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी, कस्टमर के नीड में, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपना बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से वो लोकेलिटी चेंज करेगा, जैसे हनुमान नगर में रहा 10 दिन रहा,
देखा कि अब मेरा सामान यहाँ नहीं बिक रहा है, दूसरा चला गया, दूसरा जगह चला गया, वहां का कस्टमर को बेचने लगा जाके, यही होता है, मजाक नहीं है, ये सिंपल कॉमन चीज है ये, ठीक है। प्रोडक्ट्स अगेन, जैसा कि फीचर बता चुके हैं कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो लो क्वालिटी का होता है, कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होता। स्ट्रीट ट्रेडर्स हो गए जो सड़क पे सामान बेचते हैं, है ना, नुक्कड़ पे सामान बेच रहा है, जमीन पे बिछा लेता है, बैठ जाता है और सामान बेचता है, जैसे सब्जी वाला हो गया या छोटा मोटा वही नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो गया, वही सब बेचता है, बस स्टैंड पे फुटपाथ पे बैठ जाएगा और फिर सामान बेचता है, ठीक है। इसका भी वही है फीचर, लो एक बार, पब्लिक पे ये लोग सामान बेचने में कहाँ बैठेगा, पब्लिक पे जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, तो लोग आते जाते लोग को सामान बेचता है ये, ठीक है। उसके बाद डेडील इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये तो सब इजी टॉपिक है, इसमें भी क्या है, मिरर है, टॉवल, वही सब चीज जिसका कोई स्टैंडर्ड है ना, जो डेली यूज पर्पस का चीज है, साइज प्रोडक्ट जो कि डेली यूज होता है, तुम लोग देखते हो कि थोड़ा सा छोटा सा जमीन उठा लेता है और टॉप बेच रहा है, सॉक्स बेच रहा है, अब तो ठंडा स्टार्ट हो गया तो तुम लोग देखते हो विंटर वेयर भी बेचता है, देखे हो ना, जमीन पे बिछा लेता है और फिर विंटर वेयर जो लोग, वो क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, ऑब्वियस, हाँ, कन्वीनियंट फॉर पीपल एज दे परचेज आइटम्स ऑन द वे बैक टू होम। अब ये तुम लोग को नुक्कड़ मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा, तुम लोग देख सकते हो, तो तुम लोग को स्पेशली स्टोर नहीं जाने का जरूरत है, चलते गए घर हो काम से निकल, बीच में लगा कि मेरे जरूरत का सामान है, खरीद लिया, ठीक है, तो कन्वीनियंट उस टाइप से भी हो जाता है। दे डील इन नॉन ब्रांडेड एंड लोकल गुड्स, चलो ये हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, है ना, क्वेश्चन याद रख, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स मतलब पीरियोडिक कहने का क्या मतलब होता है, टाइम टू टाइम, है ना, मतलब ये कुछ समय के लिए, ऐसे तुम लोग देखते हो लहासा मार्केट होता है, देखे हो लहासा मार्केट क्या होता है, ठीक है, फिर और भी कोई कोई मार्केट होता है, जैसे फेयर लगता है, हाँ, सोनपुर मेला, तो ये सब क्या है। अब इसमें भी तुम लोग देखते हो ना, ये सब जो लहासा मार्केट हो गया या जो फेयर ट्रेड, ये सब हो गया, क्या इसमें भी ब्रांड प्रोडक्ट्स बिकता है, नहीं बिकता है ना, इसमें भी नॉन स्टैंडर्ड और लोकल प्रोडक्ट्स बिकता है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, ये वीकली आता है, मंथली आता है, ये है ना, एनुअली में जैसे लहासा हो गया, है ना, फेयर, अब जैसे और फेयर में बहुत सारे डिज्नीलैंड होता है और भी कुछ कुछ लगता है, तो हाँ, तो कुछ वीकली भी होता है, कुछ मंथ वाइज भी होता है, जैसे सावन का महीना आएगा तो सावन का कुछ प्रोडक्ट लेकर के आएगा, ठीक है, इस टाइप का हो गया। द गुड्स आर डिस्प्लेड ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड परमानेंट टेम्पररी शॉप्स। अब क्योंकि ये परमानेंट तो नहीं आ रहा है ना, बीच बीच में आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, तो ये परमानेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेगा, एक टेम्पररी शॉप जैसा, टेंट जैसा बना लेगा, है ना, लहासा मार्केट में भी क्या देखते हो, अपना एक घेर घार के बना लेता है जगह, है ना, बेचता है, जब तक बिकता है प्रोडक्ट, विंटर खत्म, फिर वो मार्केट वहां से उठ जाता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा वहां पे मार्केट था, ठीक है, टेम्पररी रहता है। लो प्राइस एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, भाई देख रहे हो ना, सबका फीचर ऑलमोस्ट सेम है, लार्ज दे सेल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, अब जैसे कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट लेके आएगा तो थोड़ा वैरायटी रखता है, भले चीप क्वालिटी का रहेगा लेकिन क्योंकि उसको लार्ज कस्टमर को सामान देना होता है ना, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स रखता है, वो वैरायटी रखता है, नॉन स्टैंडर्ड में वैरायटी रखता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, तुम लोग को देखो, अपने भाई को देखते, क्लास चल रहा है, तुम भी तुम लोग जान रहे हो, सिंपल सी बात है कि एक जगह एक लोकैलिटी फिक्स रहेगा, इसके पहले जो भी पढ़े कोई एक जगह पे फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये वाले में हम लोग को अब सारा पढ़ना है कि जो एक लोकैलिटी पे एक लोकेशन पे फिक्स रहता है, कस्टमर को इनके जाना होगा, जिसमें दो टाइप है, स्मॉल और लार्ज, कोई एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट है, और एक बार तुम लोग खुद से पढ़ लो, क्योंकि इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत है, टाइम ही वेस्ट होगा, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो। स्मॉल में देखो सबसे पहला जनरल स्टोर है ना, स्मॉल का छोटे मोटे तुम लोग जनरल स्टोर देखते हो, है ना, राशन का दुकान देखते हो, है ना, या ऐसा कोई दुकान जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, तो वो जनरल स्टोर हो गया। जनरल कहने का मतलब क्या हो गया, जो तुम लोग का डेली इसका जो सामान होता है, डेली यूज का सामान होता है, वही वो सब चीज वो लोग रखता है, उसको हम लोग जनरल स्टोर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको देखो अलग अलग नाम से दिया हुआ है, जो कि तुम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में, कि जनरल स्टोर का दूसरा नाम क्या है, तो जनरल मर्चेंट बोल सकते हो, जनरल ट्रेडर्स बोल सकते हो, ठीक है, दोनों नाम से बोलते हैं। वेराइटीज ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब प्रोडक्ट्स, क्या नाम दे दिया है खाली तो टेक्निकल करने के लिए, मतलब मर्चेंडाइज का मतलब क्या हो गया, लिख लो।
उन लोगों में से कोई नहीं लाइन है वो देख लो खाली, है ना, क्योंकि वही थोड़ा समझने वाला है. दे आर मैनेज बाई ओनर्स. जनरली जो जनरल शॉप होता है ओनर मैनेज करता है या फिर एक काउंटर सेल्समैन. तुम लोग कोई भी जनरल स्टोर जाते होगे तो ओनर बैठा रहता होगा, देखते होगे काउंटर पे, और एक सेल्समैन रहता है जो प्रोडक्ट ला के देता है, पैकिंग वगैरह करता है. ठीक है, तो ऐसा देखने के लिए मिलता है. नहीं तुम लोग और भी आगे देखे फीचर क्या इसमें पता है, वही चीज है. डील्स इन द आइटम ऑफ डेली यूज लाइक ग्रोसरीज, कन्फेक्शनरीज, स्टेशनरीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, है ना, एक्सेट्रा में तुम लोग कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग ये सब डाल सकते हो. ठीक है, ग्रोसरीज का मतलब, कन्फेक्शनरी का क्या मतलब हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड, फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एंड अदर सर्विसेज टू देयर रेगुलर कस्टमर. रेगुलर कस्टमर लॉयल कस्टमर को क्या करते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, किसी किसी केस में फ्री भी डिलीवरी देते हैं, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं तो बताए हैं, है ना, कि क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है रिटेलर्स लोग, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग रिटेलर्स पढ़ रहे हैं तो क्रेडिट फैसिलिटी तो आएगा ही आएगा. ठीक है, देखो आगे, दे रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स एट टाइमिंग. तुम लोग जनरली देखते होगे स्टोर सुबह में खुल जाता है 9-10 बजे, है ना, और फिर रात में 9-10 बजे तक खुला रहता है. अब तो ठंडा आ गया है, अभी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जनरल डेज पे तुम देखोगे कि वो मैक्सिमम टाइम खुला रहता है. तुम किसी भी अपने कन्वीनियंट टाइमिंग पे चले जाओ और तुम सामान खरीद सकते हो जाके. ठीक है, दे हैव लार्ज वैरायटी इन ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, जैसे अभी हम तुरंत बताए थे क्रीम के बारे में, जैसे कि क्रीम अगर बेच रहे हैं तो उसमें भी वो डिफरेंट ब्रांड रखते हैं ताकि तुमको कन्वीनियंट हो सके सिलेक्शन करने में. ठीक है, वही बात बोल रहा है. सिंगल लाइन स्टोर. सिंगल लाइन स्टोर मतलब कि वैसा रिटेलर जो किसी एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहा है. जैसे अगर तुमको फुटवेयर खरीदना है तो तुम चले जाओगे कि कोई ऐसा जगह जो सिर्फ फुटवेयर बेचता हो, जिसमें तुम लोग को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा. मेंस का फुटवेयर मिल जाएगा, फीमेल के लिए फुटवेयर मिल जाएगा, किड्स फुटवेयर मिल जाएगा. क्लोथिंग में भी चले जाओगे तो ऐसा शॉप जो सिर्फ क्लोथिंग में डील कर रहा है, समझ रहे हो, तो ऐसा भी क्या होता है, रिटेलर्स होते हैं. तो इसको सिंगल लाइन स्टोर बोलते हैं, मतलब ऐसा स्टोर जो एक क्वालिटी में एक प्रोडक्ट में डील करता है. स्टेशनरी भी क्या है, सिंगल लाइन है, कि वो सिर्फ किस चीज में डील कर रहा है, स्टेशनरी आइटम्स में डील कर रहा है. ठीक है, उसमें वैरायटी रखेगा वो अपना. ठीक है, डील्स विद द वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. गारमेंट है तो सिर्फ गारमेंट, ऐसा नहीं है कि गारमेंट्स भी रखे हुए हैं, फूड आइटम्स भी रखे हुए हैं, है ना. सिंगल लाइन स्टोर क्या होता है, वैसे स्टोर जो एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट में सिर्फ डील कर रहा है, एक वैरायटी में डील कर रहा है, मतलब एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहा है जिसमें वो वैरायटी रख रहा है. ठीक है, फुटवेयर है तो सारा वैरायटी है, मेल का भी है, फीमेल का भी है, किड्स का भी है, उसमें साइजेस भी है, कलर्स है डिफरेंट. ठीक है, ब्रांड है डिफरेंट. डील्स इन द वैरायटी ऑफ गुड्स इन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट. अभी बताए जिस भी लाइन में जिस भी प्रोडक्ट में डील करेगा, फुटवेयर है तो डिफरेंट लोगों के लिए है, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट स्टाइल में अवेलेबल है. क्लियर, क्या है, सिचुएटेड मोस्टली इन मार्केट प्लेस. ऐसे क्या होते हैं ऐसे ये सब टाइप के रिटेलर्स, मार्केट प्लेस में सिचुएट करते हैं. फुटवेयर खरीदना है शॉप जाते हो तो एक जगह जाते होगे, मार्केट में यहाँ पे भी आसपास है, देखे ही हो, है ना. दे प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज विथ वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट. ये होता है, ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है तो डिफरेंट रहेगा, है ना. जैसे मान लो कोई स्टोर गए, वहां पे तुम कभी देखते हो कोई स्टाफ जो अच्छी तुमको ट्रीट नहीं की, आज खा नहीं रहा, शो कर रहा है, तरीका लो. किसी स्टोर जाओगे देखो तुम एकदम बहुत अच्छे से वेलकम कर रहा है, टी कॉफी सब दे रहा है. तो कहने का मतलब स्टोर टू स्टोर यहाँ पे सर्विसेज डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट सर्विस देने का तरीका अलग हो सकता है. ठीक है, कोई देखोगे 10% ऑफ रखे हुए, किसी स्टोर पर जाओगे देखो नहीं रखा हुआ है, कोई भी चीज ऑफ नहीं है, तो सर्विस देने का तरीका स्टोर टू स्टोर डिफरेंट कर सकता है. क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट. स्पेशलिटी स्टोर, अब सिंगल लाइन प्रोडक्ट में जो वाला बताए थे अब उसी से आगे बढ़ेगा. जैसे हम बोले कि फुटवेयर है तो सिर्फ फुटवेयर में डील कर रहा है, अब स्पेशलिटी स्टोर में अगर एक लाइन में है तो इसमें भी कोई वैरायटी है, सिर्फ मेल का रखेगा या सिर्फ फीमेल का रखेगा. इसके पहले क्या बताए थे, किसी एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट में, आगे में स्पेशलिटी में क्या देंगे, एक काइंड में भी एक पर्टिकुलर वैरायटी है. स्वीट शॉप है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया होगा, आगे ऐसे देख रहे हो फीचर का सेकंड वाला लाइन, स्वीट शॉप है, उसमें बंगाली स्वीट्स का रखे हुए हैं. स्वीट्स में तो बहुत तरह का स्वीट्स होता है ना, वैरायटी ऑफ स्वीट्स होते हैं, उसमें ये पर्टिकुलर सिर्फ बंगाली का रखे हुए.
गारमेंट है तो किसका सिर्फ चिल्ड्रन गारमेंट का रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल और चिल्ड्रन का रखे हुए हैं। इसके पहले वाले में लोग क्या पढ़े थे, अगर फुटवेयर है या क्लोथिंग है तो सारा वेराइटी है क्लोथिंग से रिलेटेड, फुटवेयर से रिलेटेड। लेकिन इस वाले में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर फुटवेयर है क्लोथिंग है तो उसका भी कोई एक वेराइटी रखे हुए, ठीक है, मतलब इसका भी क्लासिफिकेशन में रखे हुए, क्लियर है, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोलता है फीचर का। सबसे पहला, दीज स्टोर आर स्पेशलाइज इन वन प्रोडक्ट ओनली, मतलब एक काइंड में भी एक प्रोडक्ट, एक वेराइटी रखेगा वो, ठीक है। गारमेंट है तो सिर्फ चिल्ड्रन गारमेंट है, या सिर्फ फीमेल का है या सिर्फ मेल का है, गारमेंट में भी स्पेशलाइज किए हुए, क्लियर। दे कीप ऑल द ब्रांड्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, अब अगर कोई प्रोडक्ट में जैसे गारमेंट का ही है तो उसमें भी क्या है, उसमें अब जैसे रखे हुए तो डिफरेंट ब्रांड्स में फीमेल का रखे तो वैरायटी देगा, अब ठीक है एक ही ब्रांड का रखेगा तो उसमें तो प्रॉब्लम है, चूज करने में दिक्कत होगा। अब जैसे तुम लोग जीन्स लेने गए, ठीक है, तो सिर्फ जीन्स रखा हुआ है लेकिन उसमें क्या है, अलग अलग कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है, फ्लाइंग मशीन आता है, ली आता है, एलिन कूपर आता है, ठीक है, जीन्स है लेकिन अलग अलग ब्रांड का रखे हुए, लेकिन गारमेंट में सिर्फ जीन्स में डील कर रहा है, क्लियर। आगे देखें, कन्वीनियंट फॉर कस्टमर टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, इससे क्या होता है, अगर तुमको दिमाग में सेट है कि हमको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है, जैसे हमको जीन्स लेना है तो तुमको बहुत सारा मतलब तुमको अलग अलग ब्रांड का कंपेयर करने का मौका मिल जाएगा, उस स्पेशलाइजेशन का तुमको फायदा मिलेगा। अगर तुमको माइंड में सेट ऑलरेडी है कि हमको यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए जाना है और तुम्हारे पास तो, और तुमको ऑप्शन भी चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो, तो इस टाइप का स्टोर बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब जैसे गाड़ी लेने जा रहे हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जा रहे हो तो वो वैरायटी रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ही वैरायटी रखेगा। टीवी लेने जा रहे हो तो कोई भी स्टोर, एलजी का भी टीवी रखे रहेगा, सैमसंग का भी टीवी रखे रहेगा, हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि टीवी है, हमको टीवी लेना है, लेकिन स्टोर गए तो वहां पे तुमको उस टीवी का डिफरेंट ब्रांड मिल गया, ठीक है, तो कस्टमर के लिए उस स्पेशलाइजेशन का फायदा हो जाता है, क्लियर, ठीक है। वो टॉपिक खत्म हो गया है, आएंगे कोई डाउट, ये बाबू कर देते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास का क्या रहता है, ऑफलाइन रहता है कि ऑनलाइन।